खबर ग्वालियर से है, जहां पर बीजेपी नेता जंग बहादुर तोमर के बेटे देवेंद्र उर्फ लालू तोमर ने बीती रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। इंदरगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि सदस्य वीर सिंह तोमर कांग्रेस में पदाधिकारी है, जबकि पिता बीजेपी नेता हैं। थाना इंदरगंज थाना क्षेत्र में पाड़वी मोहल्ले में रहने वाले 40 वर्षीय देवेंद्र सिंह तोमर ने अपने घर पे आत्महत्या कर ली है। फांसी लगा के परिवारजनों के द्वारा सूचना दी गई है और मौके पर पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन किसी साइड लूट नहीं मिला। किस वजह से आत्महत्या की गई है इसका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है। मर कायम कर लिया गया है। नहीं, ये तो उनके जो भाई हैं वो कांग्रेस में वहाँ पर पॉलिटिकल रूप से सक्रिय रहते हैं।